वेलकम बैक दोस्तों, सैगेट टेडे में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और हम लोग, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो कंटिन्यू चल रहा है हमारा टी स्प्लाइन का, तो आज हम लोग जो कमांड देखने वाले हैं वो सिमेट्री की कमांड है। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है, और आप इसको ज़रूर ध्यान से समझिए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं जो नए सब्सक्राइबर है, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, उनको कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आप दोस्तों से अपने शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जो पुराने यूजर्स हैं उनको भी कहूँगा कि प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिए, सबके लिए बोलूँगा कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और हम लोग आगे और आने वाले दिनों में अच्छे से और अच्छे मूड में और अच्छे बूस्ट में मैं वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके कमेंट्स में और आपके लाइक से। सो लाइक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों, लेकिन क्योंकि 400-500 व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ लाइक्स 13-14-15 या 50-100 इतने ही आते हैं। तो दोस्तों ये सही बात नहीं है दोस्तों, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप कीजिए तो सही। और चलिए हम लोग अभी कमांड स्टार्ट करते हैं। ऑफकोर्स बाकी सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है, आपको अच्छा लगेगा तो कर दीजिए, आपकी मर्जी दोस्तों। मेरा काम है वीडियो बनाना, मैं बना के आपको देता रहूँगा। सो ठीक है, सिमेट्री का मतलब होता है दोस्तों मिरर, लेफ्ट राइट जो मिरर होता है वैसे। तो जो टी स्प्लाइन है वो काफ़ी एडवांस चीज़ हमें दे रहा है इसके अंदर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि मैं अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे बनाता हूँ और मैं इसको मैं मिरर मारता हूँ, मिरर करता हूँ, और मेरी रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन है, तो आपको मालूम है कि मैं इस पर जो भी करूँगा ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी मेरी। ये तो आपको सबको मालूम है, मेरे पुराने वीडियोज आपने जिसने देखे होंगे उसको मालूम ही है। तो आप इस चीज़ को, लेकिन आप जैसे कि इसको मैं करता हूँ, जैसे कि मैं ये मेरा पेरेंट ऑब्जेक्ट है और ये मेरा चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये डिस्टर्ब हो गया, मतलब ये नहीं हुआ। लेकिन अभी मैं इसको करता हूँ तो आप देखिए ये नहीं गया, मतलब इनका रिलेशन टूट गया, आपका कुछ मतलब नहीं है अभी। तो ये चीज़ मतलब ये है एक्चुअली, ये मतलब इशू नहीं है, लेकिन ये चीज़ मतलब ये सिस्टम चलता है इनके पास में। तो अभी हम जो करने वाले हैं हमारा, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टी स्प्लाइन में उसमें इधर करो या उधर करो दोनों साइड का सेम ही रहेगा, मतलब इधर का करोगे तो इसका ये भी चेंज होगा और ये करोगे तो ये चेंज होगा, मतलब सिमेट्री रहती है। तो सबसे बेस्ट चीज़ है ये। तो दोस्तों मैं अभी इसमें दिखाता हूँ आपको, मैं टी एस बॉक्स जो है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हो। तो ये देखिए, इसमें मैं करता हूँ टी एस बॉक्स, और ऊपर आने के बाद मैं जो फेसेस हैं एक्स के फेसेस 4 कर देता हूँ, Y के फेसेस भी 4 कर देता हूँ, Z के फेसेस भी 4 कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं जस्ट एक उसके लिए, और एक्सिस सिमेट्री यस नो, ये देखिए तो ये यस कर दिया है सिमेट्री। X X मतलब क्या होता है कि दोस्तों ये आप यहाँ देख सकते हो, X एक्सिस मतलब ऐसे चाहिए सिमेट्री, Y एक्सिस ऐसे, और Z एक्सिस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, X में और X में कर देते हैं यस एक बार के लिए, ठीक है दोस्तों। और आप बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पूरी सेट कर दी है, कुछ भी चेंज नहीं किया है मैंने, ठीक है। वाई और जेड सिमेट्री ऑन नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अभी चलते हैं हमारी कमांड की तरफ। मैंने ये बना दिया है और ये मैंने इसे बना दिया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक लाइन बीच में आ गई है ग्रीन कलर की, इसका मतलब ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये यहाँ से इधर और इधर, मतलब यहाँ जो करोगे इस साइड में जो करोगे वही उस साइड भी होगा। सो चलो ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं जो भी आपने हमने जो देखा है या जैसे भी है। तो ये देखिए, ये मैं ये देखिए हो रहा है, ठीक है दोस्तों, ये ग्रीन वाली, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, अगर बीच वाली लाइन करूंगा तो ऐसा कुछ नहीं है, देखिए ये तो होगा ही, दोनों साइड ही सेम होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर मैं इस साइड करता हूं तो ये भी होगा, ये देखिए, तो जो आप करोगे वो होगा, ठीक है। यस, यहाँ पे अब इसमें जैसे आपको लग रहा है कि आपको यहां से भी सिमेट्री देनी है, तो चलो मैं काम करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं इसका ऑन कर देता हूँ, बॉक्स कमांड ले ली, और एक्सिस के अंदर X के बाद में Y की भी सिमेट्री लेता हूँ, और ये लो बना दिया मैंने। अब ये देखते हैं इसके साथ क्या होता है। तो मैं F10 ऑन करके एक पॉइंट या तीन पॉइंट्स, ये जो तीन पॉइंट्स है मैं इसको सिलेक्ट करके, ठीक है दोस्तों, इसको मैं अप करता हूँ, तो ये देखिए चारों साइड का हो रहा है, ये देखिए। तो लग रहा होगा आपको बहुत मज़ेदार कमांड है दोस्तों, मुझे मालूम है, और बहुत है भी मज़ेदार, बहुत मज़ा आएगा करने में इसको, आप एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए। तो बहुत ही अच्छी कमांड है, आप इसको बस, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और क्या करना है। तो ये देखिए,
मतलब आप बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हो। हम लोग जो टी एस एक्सट्रूड की कमांड जो मैंने पुराने वीडियोज में बताई है, तो आप देख सकते हो मैंने एक ये भी एक्सट्रूड करता हूँ, एक ये, तो सब जगह पे होगा एक्सट्रूड। मतलब जो भी आप इसके साथ कार्रवाई करोगे या कुछ भी ऑप्शन यूज करोगे, वो सारी चीजें इस दूसरे वाले के साथ भी, मतलब सारी साइड में होंगी होंगी ही होंगी दोस्तों। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों, आप यूज करके देखिए, मजा आएगा करने में। सो ये दोस्तों सिमेट्री है, और सिमेट्री का यूज करके हम लोग बहुत सारी चीजें बनाएंगे, हम लोग रिंग्स वगैरह में बनाने वाले हैं। सो आप इस चीज को देखते रहना, तो क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग जो अभी जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाले हैं, उसमें वेल्ड और छोटी 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 कमांड्स और बहुत सारे करने वाले हैं, तो इसके अंदर आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों ये एक तो बॉक्स वाली हो गई दोस्तों, ठीक है। तो सिमेट्री ऑन करनी है, समझ लीजिए मैंने कुछ एक बनाया है, समझ लीजिए ऐसे एक बनाता हूं, समझ लीजिए एक अपेंड फेस से बनाता हूं मैं दोस्तों, ठीक है। ये और ये बना दिया मैंने, ये बना दिया मैंने, ये और ये बना दिया मैंने दोस्तों, ठीक है। ये ठीक है दोस्तों, ये बना दिया मैंने। अब मुझे इसको सिमेट्री करना है, मतलब इस साइड मिरर मारना है, मतलब सिमेट्रिक देना है, और जैसा मैंने अभी जो क्यूब में दिखाया ना वैसा करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले मैं काम करूंगा एक लाइन यहाँ पे एंड ऑन करके, मतलब थोड़े से नॉट है, वर्टेक्स ऑन करना पड़ेगा दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स ये रहा, देखिए वर्टेक्स ऑन करना पड़ेगा, इसको ऑन करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको ऑन कीजिए इधर, आप सॉरी इसमें पॉइंट्स में ऑन करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको एक लाइन देनी है, ठीक है दोस्तों। कोई भी एक लाइन दे दीजिए, कैसे भी कितने भी दूर दीजिए, कोई इशू नहीं है, ताकि इसको रेफरेंस पकड़ना पड़ेगा। अब मैं दूंगा टी एस, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि मैं देता हूँ कमांड टी एस सिमेट्री कमांड दे दी मैंने, ठीक है। अब वो पूछ रहा है एड सिमेट्री कम्प्लीट टू पार्शल मोड, ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मैं दूंगा ऐड, ठीक है दोस्तों। ऐड देना है आपको, देना है एक्सिल, एक्सिल और रेडियल दो है, रेडियल मतलब पोलर एरे दोस्तों बोथ, और एक्सिल मतलब ऐसे मिरर वाला, तो मिरर वाला देना मुझे अभी, जस्ट अभी क्या करना है मिरर वाला देना है, तो मैं एक्सिल दूंगा, ठीक है। वेल्ड यस रखिए, वेल्ड यस रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नो रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यस रखें, अभी तो हम लोग यस रखेंगे, ठीक है। अब आप एक्सिस देना है स्टार्ट ऑफ सिमेट्री प्लेन, तो मैं दे दिया हूँ यहाँ, देखिए एंड पॉइंट, और ये यहाँ से यहाँ, ये देखिए मेरा ये जो है ये बन चुका है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब मैं जूम आउट करता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पे मैं तुझे चीजें करने को मिलेगी, वो मैं करूंगा अभी यहाँ पे, देखिए ये जो भी चीजें करूंगा ये सब पूरे दोनों साइड होंगी, आप देख सकते हो, बहुत मजा आता है दोस्तों मुझे करने में इससे, क्योंकि टी स्पैन मेरा फेवरेट प्लगइन है, और आप समझ चुके होंगे मेरे दोस्तों ये जो फटाफट वीडियो डाले हैं क्यों डाले हैं, क्योंकि आई लव इट। तो आप भी करोगे, आप भी प्यार में पड़ जाओगे इसके, लेकिन आप तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये सिमेट्रिकल हो गया है, मतलब सिमेट्री ऑन है इसका। अगर सिमेट्री नहीं चाहिए, मतलब अब जैसे ओके ठीक है मेरा ये हो गया, अब मुझे ये सिमेट्री नहीं चाहिए, मैं इधर अलग करना चाहता हूँ, इधर अलग करना चाहता हूँ, तो क्या करें? तो दोस्तों सिंपल कमांड है, मैं आपको दिखा देता हूँ, टी एस सिमेट्री ऑन दीजिए, और यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रही थी सिमेट्री ऑफ, टीएस सिमेट्री ऑफ, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, बस देखिए ये ग्रीन लाइन गई चली। अब आप जो भी करोगे, आप जो भी करोगे जो भी, तो ये होगा अलग अलग, अभी 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 सब इंडिविजुअल हो गए, देखिए अब मैं ऑन करता हूँ, अब देखिए ये चीज यहाँ पे, अब आप इसकी सिमेट्री ऑन नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा, और इसके बाद फिर आप इसको वापस से सिमेट्री वो करनी पड़ेगी, देखिए अब अलग अलग हो गया, अब इसका कोई सिमेट्री वगैरह नहीं है, आपको जो करना है मैनुअली करना पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान से सोच के समझ के कीजिएगा, जो भी करोगे इजी रहेगा आपके लिए, मजे मजे में आप कुछ गलत काम ना कर दो करते करते। तो देखिए एक बार मैं अभी दे रहा हूँ टी एस एक्सट्रैक्ट, या आप ऐसे कर सकते हैं टी एस एडिट मोड, ठीक है दोस्तों। ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन, अब आप देख सकते हो ये जो फेसेस वाला लिया मैंने, ये नहीं चाहिए दोस्तों, डिलीट, ठीक है दोस्तों। देखिए अब मैं वापस से टी एस सिमेट्री ऑन करूंगा,
और आपको ऐड करना है, एक्सेल लेना है, और ये रहा मेरा फिर से सिमेट्री ऑन हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया एक्सेल वाला। अब सिमेट्री वाला जो है रेडियल वाला देखते हैं क्या है। सो दोस्तों उसके लिए थोड़ा सा अलग कुछ करना पड़ेगा, तो लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम लोग। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ कि मुझे एक्सिस देना है। तो मैं पहले तो आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है पहले से कि मेरे को करना क्या है, इसलिए मैं जानता हूँ। तो मैंने एक सीधा एक्सेल दे दिया, इसके गोल गोल घूमेगा वो। ओके, और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें एक मिनट दोस्तों। ठीक है, अब मैं इसमें एक काम करता हूँ, मैं एक पीएस अपेंड करके, दोस्तों मैं कमांड का नाम ले रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे, मैं जीरो एंटर करके बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कुछ तो बनाया मैंने ऐसा। ठीक है, अब मुझे इसका पोलर एरे बनाना है या मतलब एक्सिस सिमेट्रिकल मारना है या जैसा भी समझ लीजिए, तो मैं कैसे करूंगा तो दिखा देता हूं मैं आपको दोस्तों। तो पी एस कमांड देते हैं ऑन करके, पी एस सिमेट्री कर दिया। ओके, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सिलेक्ट था तो कुछ पूछा नहीं, ऐड करूंगा और रेडियल ऑन करूंगा दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद में सेगमेंट कितने चाहिए, मतलब कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए, मैं अभी दे रहा हूँ 6। ओके, 6 वेल्ड यस करना है दोस्तों। ठीक है, एक्सिस, एक्सिस कौन सी देनी है तो आप दे सकते हो या आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट ऑन ऑफ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ ये देखिए ये बन चुका है। तो मैंने एक सेकेंड दोस्तों, फिर से कुछ गड़बड़ हो गई है, एक बार देखते हैं। मैं आपको जूम आउट करता हूँ, उससे जूम वाला जो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है मुझे। रेडियल वेल्ड यस, टॉलरेंस ठीक है, सेंटर ऑफ रोटेशन में दे रहा हूँ 0। ठीक है दोस्तों, सेंटर ऑफ रोटेशन 0, एंगल मैंने ये इस तरीके से आपको कितना चाहिए वो दे दिया मैंने, इंटर। ओके, अब समझे आप, ये चीज जो है ऐड कर दी, एक्सेल वेल्ड यस 0 इंटर, और सॉरी दोस्तों गड़बड़ है, फिर से देख लीजिए टी एस सिमेट्री, फिर से करते हैं एक बार। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके कर दिया ऐड, रेडियल सेगमेंट 6 वेल्ड यस। ठीक है दोस्तों, अब मैं दे रहा हूँ 0 इंटर। ठीक है, और मैं दे रहा हूँ यहाँ पे देखिए कितने एक्सिस में चाहिए वो ने दे दिए, ये देखिए। लेकिन यहाँ पे अभी आप देख सकते हो ये जो वापस से क्या हो चुका है, ये हो चुका है स्मूथ नहीं है, मतलब ये फिर से नॉर्मल हो चुका है। तो आप इसको काम कीजिए, आपके इसके अंदर पॉइंट्स ऑन कीजिए, मैं आपको फर्स्ट टाइम थोड़ा सा एडवांस में बता रहा हूँ, इसके पॉइंट्स ऑन कीजिए। अब इसका जो पॉइंट है वो मूव कीजिए यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और अभी काम करते हैं, मैं टी एस सिमेट्री ऑफ कर रहा हूँ और टी एस एडिट मोड ऑन कर रहा हूँ, और ये जो जितने ओके एक ये जो है जितने भी ये जो फेसेस हैं ये सब मैं डिलीट कर रहा हूँ दोस्तों, ये डिलीट। अब इसका जो है टी एस सिमेट्री ऑन, यस एक्सिस रेडियल वेल्ड यस 0 इंटर। दोस्तों ये जो है 30 डिग्री, तो मैं दूंगा इसमें आप देख सकते हो 60 डिग्री, यहाँ पे देखिए दोस्तों 60 डिग्री तक आ रहा है देखिए। ठीक है दोस्तों, 60 डिग्री दे देते हम लोग, तो 60 डिग्री दे दी मैंने, नहीं आ रहा दोस्तों मुझे इसके लिए थोड़ा सा मतलब वर्कआउट करना पड़ता है दोस्तों थोड़ा सा 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं टी एस सिमेट्री एड रेडियल 6 0 इंटर, और मैं स्ट्रेट शिफ्ट दबा के लिया और ये लिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए
अब टी एस स्मूथ करता हूँ तो क्या होगा, टी एस स्मूथ नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है ये जो पॉइंट खुला है इसको मैं टी एस वेल्ड कमांड दे के मैं आपको दिखा देता हूँ। टी एस वेल्ड कमांड दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब एंटर करोगे आप और यहाँ पे जो दो पॉइंट है दोस्तों इसको पकड़ के सीधा इसे ड्रैग करोगे तो ये हो गया वेल्ड। ये देखिए तो ये अभी ग्रीन लाइन आ गई, मतलब ये सिमेट्री हो गई। टी एस स्मूथ कर दो, ये देखिए। अब आप इसके अंदर जो भी करोगे इसके साथ में वो सब कुछ होगा सबके साथ में। ये तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया कमांड है और आप यूज कीजिए इसको, बहुत अच्छा मतलब लगेगा आपको कि ये कैसी मतलब इतना फ्रीडम है इसके अंदर काम करने के लिए। मतलब आप कर्व वगैरह करने की जरूरत नहीं है, राइनो में सबसे बेसिक जो फंडा है वो कर्व का है। जो आप कर्व अच्छा आना चाहिए आपको, ऑफ कोर्स आना चाहिए, और तभी आप अच्छे से काम या जो भी है ज्योमेट्री वगैरह या ये चीज़ें बना पाओगे। तो ये चीज़ें आपको सिर्फ टी स्पाइन देता है राइनो के अंदर जो करना है उसके बारे में। सो दोस्तों ये बहुत बढ़िया वाली एक कमांड आज आपने सीखी है टी एस सिमेट्री वाली, तो आप ज़रूर कीजिए और मुझे बताइए कि अगर आपको कुछ भी इसके अंदर जानना है या कुछ भी अगर ऐसा लग रहा है कि आपको मतलब मिस है या कुछ है तो आप ज़रूर मुझे बताइए ईमेल के थ्रू या नीचे कमेंट में बताइए। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कमांड में जो कि है थिकन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय।